तो ख्याल चाल है भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। गाइज, आप लोगों में से जो भी मेंबर ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट करना चाहते हो, उनको एक चीज की बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, या फिर उन लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो वर्ड है, एग्जैक्टली इसको लाइव चार्ट के ऊपर किया कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का गोल ये होता है, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहता है, कि उन लोगों को एटलीस्ट इतनी एनालिसिस करना आ जाए, इतनी टेक्निकल एनालिसिस करना आ जाए कि वो लोग ये प्रेडिक्ट कर पाए कि मार्केट अप जाएगा या फिर मार्केट डाउन जाएगा। गाइज, अगर ये चीजें आप लोग प्रेडिक्ट करना सीख गए तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप लोग मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। आप लोगों को मैं बता दूं कि O2 हेल्प यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर आज के बाद से आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की बिगिनर टू एडवांस लेवल की वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप लोग एक किसी भी चार्ट या किसी भी पैटर्न की, कैंडलस्टिक पैटर्न की एनालिसिस कर पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करो गाइस, तो यहाँ पर दो चीजों से होती है। पहली, एक तो जो आपका चार्ट होता है उस चार्ट से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड कर सकते हो, दूसरा एक आप इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हो। दोनों ही चीजें जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप टेक्निकल एनालिसिस किसी भी चीज की करो, यानी टेक्निकल एनालिसिस किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की करो, उससे पहले गाइज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक होती क्या है, ये ग्रीन कैंडल का क्या मतलब होता है, ये रेड कैंडल का मतलब क्या होता है। ये चीजें आप लोगों को आना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं और उसकी वजह से वो काफी सारा अमाउंट लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि जिस चार्ट के ऊपर वो अपने इंडिकेटर्स को लगा रहे हैं, जिस चार्ट के ऊपर वो एनालिसिस करना चाहते हैं इंडिकेटर्स को यूज करके, उस चार्ट की वैल्यूज क्या है, उस चार्ट का मायने क्या है, उस चार्ट का मतलब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी होता है गाइस। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये चार्ट की वैल्यूज का क्या मतलब होता है, ये कैंडल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो एक एक कैंडल स्टिक होती है उसका मतलब क्या होता है, पैटर्न को भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप चार्ट में एक चीज जरूर देखते होगे, एक तो ये ग्रीन कैंडल और एक ये आप रेड कैंडल्स, ठीक है, दो तरीके की कैंडल होती है, थर्ड किसी भी टाइप की कैंडल नहीं होती है। ये बात जरूर है कि ये ग्रीन और रेड कैंडल्स के भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट कलर जो होता है वो ग्रीन या रेड मिलेगा, बहुत रेयर प्लेटफॉर्म ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर मिलता है, ठीक है। तो इन चीजों का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊं, उससे पहले अगर मैं यहाँ पर ये माउस लेकर के आया अपनी लेटेस्ट कैंडल पर, या हम बात करते हैं ये बिग कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ पर गैस ऊपर अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो आपको ओपन क्लोज हाई एंड लो ये चार वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। दैट मीन्स कि एक जो कैंडल होती है, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं गैस, ठीक है, तो एक कैंडल की चार वैल्यू होती है, ठीक है। चार वैल्यूज कौन कौन सी होती है, क्या क्या मतलब होता है, ये समझे उससे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ग्रीन कैंडल होती है इसका मतलब क्या होता है और रेड कैंडल होती है इसका मतलब क्या होता है। ये दो चीजें हम समझते हैं जिसके बाद आप लोगों को ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि रेड एंड ग्रीन का मतलब क्या है मार्केट में। गाइस देखो, मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मार्केट में बायर्स, ठीक है, एक होता है मार्केट में सेलर। दो चीजें होती है मार्केट में, एक जो किसी भी करेंसी पेयर को या किसी भी एसेट को या किसी भी शेयर को खरीदता है, खरीदेगा तब जब दूसरा बेचेगा, सिंपल है, या जब कोई सेल करेगा तब कोई खरीदेगा, सिंपल है या नहीं है। दो चीजें होती है मार्केट में। अब जो मेरी ग्रीन कैंडल होती है गाइस, अगर मैं इस ग्रीन कैंडल की बात करूं, यहां पर ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये वाली, ठीक है, इस कैंडल का मतलब क्या है कि यहां पर जो खरीदारी करने वाले हैं, मतलब यहां पर कोई भी शेयर है, अब ये निफ्टी निफ्टी खुला हुआ है, देखो आप निफ्टी या कोई भी ले लो आप, ठीक है, ये निफ्टी 500 है या जो भी चीजें हैं, आप लोग यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करो कि ग्रीन कैंडल मार्केट में किसी भी प्राइस का तेजी बताता है, ठीक है। मान के चलो अगर एक मार्केट है, कोई भी शेयर आप ले लो जिसकी वैल्यू है 50 रुपए, अब इसकी वैल्यू बढ़ करके हो गई 55 रुपए,
तो ग्राफ आपका अभी 50 रुपए पे ऐसे चल रहा था, अब बायर्स एक्टिव हैं, लोगों ने चीजें खरीदना ज्यादा शुरू कर दी। फर्क नहीं पड़ता कि जब उनको खरीदनी ही है कोई चीज तो यार वो 100 250 रुपए नहीं देखेंगे, अगर हाई प्राइस में भी मिलेगा तो भी खरीदेंगे। उस केस में मार्केट अपर डायरेक्शन की मूवमेंट शो करता है, और जहां पर मार्केट में अपर डायरेक्शन की मूवमेंट शो होती है गाइस, वहां पर ये ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। ये ग्रीन जो कैंडल आपकी बनेगी, ये मार्केट आपको बताएगी कि ट्रेंड इज गोइंग इन अप डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को जो अगर एक कंक्लूजन की बात करूं ग्रीन कैंडल का, तो ये निकल के आता है कि जब बायर्स मार्केट में ज्यादा एक्टिव होंगे, लोग चीजों को या शेयर्स को ज्यादा खरीदेंगे, तो उसके प्राइस की रिप्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल से करी जाएगी। सिंपल है, ये आपको मैं बता दिया। अब दूसरी बात करते हैं रेड कैंडल की। रेड कैंडल इज जस्ट अपोजिट ऑफ ग्रीन कैंडल। दैट मींस कि जब मार्केट में सेलर्स ज्यादा एक्टिव होंगे, लोग अपनी चीजों को ज्यादा सेल करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि अगर मुझे पता है कि मेरी चीज यार हो सकता है कल को कि 50 रुपए में कोई ना खरीदे, अगर मुझे यहाँ पर 49 रुपए में कोई इसको परचेज कर रहा है, तो बेटर ऑप्शन कि मैं इसको सेल कर दूं। सिंपल है या नहीं है, आप लोग भी यही सोचोगे। तो यहाँ पर जब सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन का शो करने लगता है, मार्केट में गिरावट आने लगती है, और यहाँ ग्रीन कैंडल में तेजी या बढ़ाव किसी चीज का, यहाँ पर गिरावट, ठीक है, तो मार्केट जब गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है कि डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी, और ये मूवमेंट ये हमें प्राइस एक कैंडलस्टिक में मिलता है जो हमें रेड कैंडल से शो करते हैं। तो यहां पर गाइस आप लोगों ने देखा ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट में उछाल या तेजी या बढ़ावट, और रेड कैंडल का मतलब मार्केट में गिरावट, ठीक है। अब गाइस यहां पर एक चीज और समझते हैं कि होता क्या एग्जैक्टली मार्केट में। ये जो ग्रीन कैंडल होती है जो बायर्स की एक्टिवनेस को हमें शो करती है, यहां पर रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के 4 पार्ट होते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर मैं यहाँ पर अपना माउस लेकर के आता हूं तो आप यहाँ पर किसी भी कैंडल पर देखो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो 4 पार्ट्स में होती हैं। इनको मैं अब आप लोगों को डीपली बताता हूं कि क्या हो सकता है ये, ठीक है। तो देखो यार, ये मेरी एक कैंडल है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ, चार्ट पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये आप ऐसे देखो, ऐसे ही कैंडल बनती है, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट एक नॉर्मल जो कैंडल होती है वो हम समझते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को ड्रॉ कर रहा हूं, ये है मेरी रेड कैंडल गाइस, ठीक है, ये मेरी है रेड कैंडल। तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि ये जो पॉइंट है ये होता है मेरा ओपनिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट में खरीद करना या सेल करना स्टार्ट हुआ, तो एक शेयर है मेरा, ठीक है, उसकी वैल्यू यहां पर थी 50 रुपए की। ध्यान से समझना गाइस, ये टेक्निकल एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा, अभी थोड़ा समझना डिफिकल्ट लग सकता है प्रोबेबली, बट मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पर लोगों ने अपना कोई शेयर बेचना स्टार्ट किया उस टाइम पर उस शेयर की वैल्यू थी गाइस 50 रुपए की, यहां पर जो ये स्टार्ट हुआ। अब मार्केट में जब लोग ये सेल कर रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पर कोई खरीद रहा होगा शेयर को, तो जब ये सेल आउट हो रहा था 50 रुपए में इसकी ओपनिंग प्राइस थी, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ये शेयर को 60 रुपए में भी खरीदा। इसका मतलब क्या होगा कि जिन लोगों ने सेल किया वो अपना शेयर 60 रुपए में भी सेल किया, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया हाइएस्ट प्राइस। समझना गाइस, ये आपका हो गया हाईएस्ट प्राइस, मतलब 50 रुपए में मैंने किसी चीज को बेचना स्टार्ट किया था, बट 60 रुपए मेरा हाईएस्ट प्राइस था कि भाई मैंने 60 रुपए में अपना हाईएस्ट प्राइस आज का रखा है जिसमें मैंने सेल आउट किया अपना शेयर। उसके बाद जब कोई खरीदने वाला नहीं मिला तो शेयर मेरे गिरते 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 यहां पर चला गया 40 रुपीज पर। मतलब जब मैं अपनी चीजों को बेचना चाह रहा था, जब मैं अपनी चीजें शेयर या कुछ भी चीजें या एसेट या करेंसी कोई भी ले लो, उसको जब मैं सोल्ड आउट करना चाह रहा था, जब मैं उसको बेचना चाह रहा था, उस टाइम पर जो शेयर का प्राइस था वो यार मुझे कोई खरीदने वाला अच्छे रेटों में नहीं मिला, बट लोएस्ट जो मैंने प्राइस रखा वो 40 रुपए में मैंने लोएस्ट सेल आउट किया, तो ये आपका हो गया लोएस्ट प्राइस। लेकिन जब मार्केट
बंद होने वाला था, मार्केट जब क्लोज होने वाला था, उस टाइम पर मैक्सिमम मैंने जो शेयर अपना क्लोज किया था बेचना वो 45 रुपीज पे किया था, ठीक है। तो ये हो गया गैस आपका क्लोजिंग प्राइस। अब यहां पर आप लोगों ने समझा चार चीजें एक कैंडल स्टिक की होती है, एक होता है आपका ओपनिंग प्राइस, एक होता है आपका लो प्राइस, ठीक है, एक होता है हाई प्राइस और एक होता है आपका क्लोजिंग प्राइस। ये चीजें आपने समझी, ये तो हो गया मेरा रेड कैंडल का सीन। नाउ अब हम समझ लेते हैं ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है। तो गाइस ग्रीन कैंडल को हम ऐसे समझते हैं कि ये मेरी एक कैंडल है, ठीक है, यहां पर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं। नाउ समझने की बात थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, अगर ये ग्रीन नहीं है तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं गाइस, ठीक है, इसको हम एक बार हटा देते हैं और फिर हम लोग उसको ग्रीन करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और ग्रीन करते हैं, क्योंकि ग्रीन कैंडल समझना है तो ग्रीन चार्ट से ही समझोगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या था, जब मैंने कोई चीज खरीदना स्टार्ट करी तो यार उसका जो प्राइस था वो 50 रुपए का था, तो ये आपका हो गया ओपनिंग प्राइस, क्लियर है। लेकिन मुझे एक ऐसा ऑप्शन मिल गया या मुझे एक ऐसा टाइम मिल गया जहां पर मैंने कम प्राइसों में भी इसको खरीदा है, दैट इज 45 रुपीज, 40 रुपीज, मैंने इसको 40 रुपीज में भी खरीदा है, ठीक है। तो ये कौन सा प्राइस हो गया गाइस, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये हो गया आपका लोएस्ट प्राइस, ठीक है, ये लो प्राइस था। फिर क्या हुआ कि यार चीजें महंगी मिलना स्टार्ट हो गई और मैंने खरीदते 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 कुछ चीजें या कुछ शेयर मैंने खरीदा, वो खरीदा मैंने 60 रुपीज का, तो ये कौन सा प्राइस हो जाएगा, हाइएस्ट प्राइस। लेकिन जब मार्केट उस दिन का क्लोज होने वाला था तो मुझे जो शेयर मिला वो 55 रुपीज का मिला, तो ये कौन सा हो गया गाइस, क्लोजिंग प्राइस। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो ग्रीन और रेड कैंडल होती है उनमें चार प्राइस होते हैं। एक होता है गाइस सबसे पहले होता है ओपनिंग प्राइस, एक होता है फिर उसका हाई प्राइस, एक होता है फिर उसका लो प्राइस और एक होता है गाइस उसका क्लोजिंग प्राइस। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। नाउ एक चीज आपने नोटिस करी होगी गाइस जो मैं आपको बताता हूं, कि जब मैंने आप लोगों को ग्रीन कैंडल बताई थी, ठीक है, ये मैंने ग्रीन कैंडल बताई ये वाली, तो इसमें मैंने या जो डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट थी ये वाली, इसको मैंने बताया आप लोगों को ओपनिंग प्राइस, ये जो प्राइस था इसको मैंने आप लोगों को बताया हाई प्राइस, ये जो प्राइस था ये मैंने बताया आपको क्लोज प्राइस, और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का था ये मतलब मैंने आपको बताया लो प्राइस। सेकेंड चीज मैं आप लोगों को क्या क्लियर करना चाह रहा हूं, कि जब मैंने आपको रेड कैंडल बताई थी ये वाली, तो गाइस यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो प्राइस था ये मैंने आपको बताया था क्लोजिंग प्राइस, ये मैंने आप लोगों को बताया था लो प्राइस, ये मैंने आप लोगों को बताया था ओपनिंग प्राइस, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था गाइस कौन सा प्राइस बताया था मैंने आपको, हाई प्राइस, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, लो प्राइस तो डाउन डायरेक्शन में ही होता है सबका, ठीक है, हाई प्राइस अपर डायरेक्शन में होता है, बट जो मार्केट में जब बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, मार्केट में किसी भी चीज को खरीदारी करने वाले ज्यादा होते हैं, तो उसकी ओपनिंग होती है नीचे की तरफ से और क्लोजिंग होती होते 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 अप डायरेक्शन की मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्लोजिंग यहां से भी मूवमेंट अप हुई, क्लोजिंग यहां से भी मूवमेंट अप हुई, तभी तो मार्केट अप जा रहा है ना गाइस, तभी तो लोग यहां पर एक्टिवनेस दिखा रहे हैं बायर्स की, ठीक है। ग्रीन कैंडल में तो लो प्राइस आपका नीचे ही होता है, हाई प्राइस अपर डायरेक्शन में ही होता है, जो सेम होता है आपके रेड कैंडल का, बट ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जस्ट अपोजिट होते हैं। जो आपकी रेड कैंडल होती है उसमें क्लोजिंग प्राइस डाउन डायरेक्शन में होता है, ग्रीन कैंडल में अप डायरेक्शन में होता है, ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल में डाउन डायरेक्शन का होता है और ओपनिंग प्राइस रेड कैंडल में अप डायरेक्शन का होता है। ये चीज आपकी क्लियर होगी। नाउ गाइस यहां पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कि देखो ये मेरी एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये मेरी एक रेड कैंडल है, तो प्राइस तो आपको समझ में आ गया। अब ये लो और हाई है किस चीज का, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता। गैस देखो एक कैंडल, यहां पर अगर मैं बात करूं ये टाइम है मेरा एक दिन का, ठीक है, ये एक दिन का चार्ट का टाइम फ्रेम है, मतलब ये कैंडल एक दिन की है, ये भी एक दिन की है, ये भी एक दिन की है और ये भी एक दिन की है। अगर यकीन नहीं है तो चलो यहां पर आप ऊपर डेट देख रहे होगे 7/2/2021, ठीक है, ये आप देख रहे होगे 7/1/2021, ये आप देख रहे होगे 6/30,
तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि डेट आपकी पीछे होती जा रही है, मतलब एक एक दिन की। तो ये एक एक दिन का चार्ट का फ्रेम है जहां पर कैंडलस्टिक की मूवमेंट या कैंडल जो आप देख रहे हो एक एक दिन की है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि ये वाली कैंडल अगर मैं कंसिडर करता हूं, ये वाली, ठीक है, तो यहां पर ये इसका ओपनिंग प्राइस था, ठीक है, ये इसका लो प्राइस था, ये इसका क्लोजिंग प्राइस था, छोटी सी विक अगर यहां पर होती तो ये इसका हाई प्राइस था, ठीक है, ये रेड कैंडल है। तो गाइस किसका हाई और किसका लो, तो आप लोगों को समझना होगा कि ये जिस डेट की कैंडल है उस दिन का लोएस्ट प्राइस तो ये था, उस दिन का हाईएस्ट प्राइस ये था, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस ये था और ओपनिंग प्राइस ये था। क्लियर और नॉट? वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत ही आसान है गाइस। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर ग्रीन कैंडल की, तो ग्रीन कैंडल में आप लोग ये समझ पाओगे कि ये इसका लोएस्ट प्राइस था, ठीक है, ये इसका हाईएस्ट प्राइस था, ये इसका ओपनिंग प्राइस था और ये इसका क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। तो ये चीजें किस चीज क्या चीजें शो कर रही है ये, कि भाई ये जिस दिन की कैंडल है उस दिन का लो प्राइस ये था, उस दिन का क्लोजिंग प्राइस या हाईएस्ट प्राइस ये था, ओपनिंग ये था, क्लोजिंग ये था, तो ये उस दिन पर्टिकुलर टाइम की बता रहा है आपको, ठीक है। अब गैस यहीं पर अगर मैं बात करूं तो एक चीज यहां पर समझ लेते हैं कि ये टाइम आ रहा है, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम ले लेता हूं और यहां पर फिर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, तो ये समझो ये 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट के मार्केट में इस कैंडल पर अगर आप समझोगे तो 5 मिनट के मार्केट में ये जो प्राइस था ये लोएस्ट प्राइस था, ठीक है, ये जो प्राइस था ये ओपनिंग प्राइस था, ये जो प्राइस था ये क्लोजिंग प्राइस था और ये हाईएस्ट प्राइस था। तो आप लोगों को ऐसे समझना है कि ये अगर 5 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम है तो उस पर्टिकुलर 5 मिनट में मार्केट में क्या हुआ ये आप एनालिसिस यहां से कर सकते हो कि ये तो लो प्राइस था, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग था, ये आपका हाई प्राइस था। क्लियर और नॉट? सेम तरीका अगर मैं इस रेड कैंडल की बात करूं तो 5 मिनट में जो मार्केट की कंडीशन थी इस मूवमेंट पर वो ये थी कि ये जो प्राइस है लो प्राइस था, ये जो प्राइस है गाइस ये आपका कौन सा प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस था, ये आपका ओपनिंग प्राइस था और ये आपका हाईएस्ट प्राइस था उस मार्केट में। तो आप लोग ऐसे समझो कि बहुत, जब आप हम लोग स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे, इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये उस दिन का हाई था या उस दिन का लो था, तो आप लोगों को ऐसे समझना है कि हम पर डे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। नाउ वन मोर थिंग जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, यहां पर ये मेरी एक रेड कैंडल है, ठीक है, ये मेरी एक रेड कैंडल है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये तो आपका एक शेडेड एरिया होता है, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बॉडी, बॉडी या फिर ये जितनी अच्छी है, जितनी मतलब इसमें ज्यादा शेडेड एरिया हो इसको मार्केट का वॉल्यूम भी बोलते हैं गाइस। ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए आप समझ लो कैंडल का मतलब ये होता है आपका बॉडी, ये जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है गाइस आपका शेडो, ठीक है, क्या होता है, शेडो, बहुत लोग इसको विक भी बोलते हैं, बट आई यूज और आई प्रीफर शेडो क्योंकि ये मुझे मार्केट में अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है। आप विक भी यूज कर सकते हो, आप शेडो भी बोल सकते हो, सेम चीज आपकी यहाँ पर। तो वैसे आपने ये समझा आज की वीडियो में कि क्या आपका हाई प्राइस होता है, क्या लो प्राइस होता है, एक ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, एक रेड कैंडल का मतलब क्या होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार एंड शूटिंग स्टार की, ठीक है, या फिर आप लोग समझोगे कि अगली जो वीडियो आएगी यानी कल की वीडियो में आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का एक एडवांस चीज देखोगे जहां पर आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैंडल का मतलब क्या होता है, बट टाइप ऑफ कैंडल क्या होता है, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, ये कैंडल का मतलब क्या होता है, ये कैंडल ऐसी तो नहीं है, ये अलग कैंडल है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और इसकी बैक टेस्टिंग करें, मैं एक बार हटा देता हूँ सब कुछ, फिर मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगर मैं बात करूं गाइज यहाँ पर, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे कि ये जो पैटर्न बनना है ये कौन सा पैटर्न है, यहां से मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मार्केट डाउन आएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमको लर्न करनी है। तो यहां पर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक और चीज मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ गाइस कि अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जहां पर आप मेरे साथ में लाइव ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल्स को ज्वाइन कर सकते हो और काफी अच्छा प्रॉफिट मार्केट से उठा सकते हो। आप मेरे फ्री कॉल्स को लाइफ टाइम
दोबारा फ्री कॉल्स को लाइफ टाइम आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक टेलीग्राम चैनल का वीडियो के नीचे, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। अगली वीडियो एडवांस होगी और गाइस इस कोर्स में सारी चीजें मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।